आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बाहर बिल्डिंग है और इसके अंदर जो शख्सियत है जिनकी ये है उनकी वीडियो मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे कोपेनहेगन में जो रहने वाले हैं उनको तो पता है, वो इस बिल्डिंग को देख के और इसका नाम देख के वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे डिजिटल है, उनके लिए टीवी भी है, उसमें मुख्तलिफ चैनल्स हैं और इसमें पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं, एशिया के भी हैं और यूरोप के भी चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं, कल्चर उसके प्रोग्राम हैं जो वो देखना चाहते हैं। और यहाँ पे ये उनके बैठने की जगह है, यहाँ पे उनके कस्टमर आते हैं बैठते हैं। और वहाँ उनकी मेन इंटरेस्ट उस तरफ है और यहाँ पे किचन भी है यहाँ का, ये किचन आप देख सकते हैं, किचन भी है यहाँ का कि यहाँ पे उनके लिए जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं या फ्रिज में रखा हुआ चीज़ें उसकी स्कैप है और उसमें ये चीज़ें वीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी हुई, अपना सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे ये बर्तन धोने की मशीन भी है उन्होंने रखी हुई, ये यहाँ पे वो डिश वाशर भी रखा हुआ है उन्होंने, ये डिश वाशर है यहाँ पे, डिश वाशर भी उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, जो मतलब उनका कुछ बर्तन थोड़े बहुत होते हैं तो वो उनको धो लेते हैं। और यहाँ फ्रूट भी रखा हुआ है ये उन्होंने, बाद में आप इतने कस्टमर नहीं आ रहे क्योंकि वीकेंड है, तो बाद में जब आएंगे तो वो बनेंगे। और ये इनका सारा सेटअप है, यहाँ पे रेडियो का भी सिस्टम है रखा हुआ है, सीडी भी रखी हुई है, रिमोट्स रखे हुए हैं इसके जो है ना डिजिटल, जो जिन्होंने कस्टमर ने लगाना है तो वो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये इसका विंडोज़ बनाई हुई है पूरा, ये इनका रूम जो है ये सारा गेस्ट के लिए या उनके कस्टमर ज़ाहिर है वो ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गेस्ट कोई आ जाए तो फिर उसके लिए वहाँ पर साइड में सोफे भी रखे हुए हैं। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। और ये पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं अल्लाह और मोहम्मद के, यहीं पे ये नमाज का भी इंतज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं जो मुस्लिम होते हैं, ज़ाहिर उनके पास गैर मुस्लिम भी कस्टमर आते हैं तो जो मुस्लिम आते हैं तो वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये चेयर टेबल बड़ी बनाई हुई है, यहाँ पे चेयर्स हैं और इसके अलावा ये पानी का निज़ाम आपको जैसे बताया, और ये काफ़ी मशीन भी है यहाँ पे, इसमें काफ़ी जिन्होंने लेनी है वो ले सकते हैं, या उसमें चाय है मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उसमें पानी भी गर्म आप ले सकते हैं या कोल्ड वाटर, ज़ाहिर यहाँ पे तो इतनी सर्दी होती है गर्मी तो होती नहीं, लेकिन उसके अलावा चॉकलेट है या मुख्तलिफ फ्लेवर हैं चाय के वो ले सकते हैं आप। तो ये उन्होंने सारे कस्टमर्स के लिए बनाए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये बुक्स भी रखी हुई हैं, और ये यहाँ से कोपेनहेगन का जो कार्ड होता है मैप होता है ये भी यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं ऐसे, इसके अंदर जो सारे रूट्स बने हुए हैं इसका मैप बना हुआ है, ये पूरी बुक होती है, तो इसमें जितने भी रूट्स हैं और ये सारा कुछ ही उन्होंने रखा हुआ है। और ये यहाँ पे पूरा इनका सेटअप बना हुआ है बहुत प्यारा, इनका ये इन्होंने गेस्ट रूम एक किस्म का बनाया हुआ है यहाँ पे ये ऐसे। तो अब इसके बाद इनके वर्कशॉप का दिखाता हूँ, ये अब यहाँ इनके वर्कशॉप के मुख्तलिफ यहाँ पे पार्ट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये रिपेयरिंग करते हैं, और इसके बाद सारा इनका रिपेयरिंग का, डेंटिंग का, और ये यहाँ पे ये बनाया हुआ है इन्होंने, ये पूरा इनका वर्कशॉप है यहाँ पे, और मुख्तलिफ नट बोल्ट्स हैं और ये जो सारा इनका वो सिस्टम है यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे भी इन्होंने मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट बने हुए लगे हुए यहाँ पे भी हैं इसके, ये मुख्तलिफ इन्होंने स्पेयर पार्ट यहाँ रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे उनका पूरा बहुत बड़ा वर्कशॉप है ये, और यहाँ पे भी इनके स्पेयर पार्ट्स हैं सारे। और यहाँ पे ये दूसरा साइड है, इस पे सारे इनके टायर्स हैं ये पड़े हुए हैं, जिस नंबर का टायर है, जिस
साइज का टायर है वो टायर यहाँ पे सारे इस तरफ भी ये सारा ये टायर का सेक्शन है और ये यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है इसके ऊपर जो है गाड़ियों को जब ये ऊपर चढ़ा लेते हैं ये मुख्तलिफ के बटन हैं ये देखिए यहाँ पे फंक्शन है इनके और इसके बाद ये बटन सारे ये ऊपर चढ़ा के और यहाँ पे उसको लिफ्ट के ऊपर भी चढ़ा लेते हैं अगर उसके नीचे से रिपेयर करनी हो गाड़ी को सही करना हो ये एक ये लिफ्ट ये बनी हुई है और एक ये लिफ्ट बनी हुई है यहाँ पे और ये इसके भी यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ फंक्शन है यहाँ पे ये टायर्स के लिए इनका ये देखें ये सारा फंक्शन बने हुए हैं इनके बटन से मुख्तलिफ है जैसे आपने एडजस्ट करना है उसके बाद पूरा एडजस्टमेंट है इनके औजार हैं यहाँ पे पड़े हुए ये इनकी जो इनको चाहिए होता है यहाँ से फिर वो ले लेते हैं और ये यहाँ पे भी पूरा सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो हैं इनकी रिपेयरिंग भी होती है ये इनके देखें इंजन यहाँ पे खोले हुए हैं और यहाँ पे इनकी रिपेयरिंग भी करते हैं यहाँ पे और एक इस गाड़ी को भी यहाँ पे इन्होंने उन्होंने फिर उसको सही करना है और उसके अलावा वहाँ भी गाड़ियाँ हैं इनकी वो खड़ी हुई हैं उनको भी रिपेयरिंग करना है उसके अलावा बाहर भी बहुत ये यहाँ पे भी इन्होंने एक स्कैप बनाई हुई है और ये यहाँ पे स्टूल बना हुआ है और ये इनके जो हेल्पर होते हैं यहाँ पे बैठते हैं मियाँ साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिल के शुक्रिया ये मियाँ साहब जो हमारे डेनमार्क की बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है और इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया काफ़ी सवालात इनसे करेंगे साथ इनमें मैं बैठूँगा एक दो बातें यहाँ से इनसे करूँगा मियाँ साहब आपका ये बहुत अच्छा बना हुआ है वर्कशॉप भी है उसमें ऑफिस भी है और यहाँ पे आपका जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं थोड़ा सा मैं बाहर दिखाता रहा हूँ बिल्डिंग भी दिखाई है उसके बाद मुख्तलिफ पार्ट्स भी दिखाए हैं और अब आपके पास यहाँ आया हूँ थोड़ी सी आपसे बातें करूँगा उसके बाद वहाँ पे जाके दूसरे रूम में आपके इंटरव्यू भी होगा इंशाल्लाह आप थोड़ा सा अपना तारफ कराएँगे और बताएँगे फिर उसके बाद और बातें होंगी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले अयूब भाई मैं आपका मशहूर हूँ आप हमारे भाई हैं मैं बड़े अच्छा से आपको जानता हूँ और इस चैनल के हवाले से मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ सोशल मीडिया पर ये वक्त की ज़रूरत है और माशाल्लाह बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब और हमारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आपस में कम्युनिकेट रखने के लिए सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप इस पर इतना वक्त लगाकर और एक अच्छा जो है सेटअप आपने जो तैयार किया अब आपने मेरे बारे में सुन रहा था शुक्रिया आपका आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज कह दिए देखें अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि हम अर्ली 70s में लेट 60s में जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए थे जो दर हकीकत अपने माली हालात जो अपने अपने इंडिविजुअली हर एक के थे और पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए यहाँ डेनमार्क में बाकी यूरोप में तो मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और रहा है जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल-फ़िरदौस में जगह दे कि उन्होंने अपने आप को अपने ख़ानदान को अपने मुल्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो रास्ता अपनाया दयार गैर में आए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और आज एक काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है तो इस बात को आगे ऐसे अगर हम लेकर जाएं तो आज डेनमार्क के अंदर तीसरी या चौथी जनरेशन आप कहेंगे चौथी जनरेशन में हम जा चुके हैं पिछले 50 साल में जो लोग आए थे उनके जो बच्चे उस वक्त थे वो यहाँ आए फिर आगे बच्चों के बच्चे हुए जो बच्चे यहाँ 80s में मसलन जिनकी शादियाँ हुई आज उनके बच्चे हैं वो चौथी जनरेशन बनती है सफ़र किया हम लोगों ने मुश्किलात देखी हम लोगों ने
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को एक बेहतर मकाम पर लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के खुसूसन तौर पर जो बच्चे हैं दूसरी और तीसरी जनरेशन में, वो माशाल्लाह तालीम के हवाले से एक बड़े अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, माशाल्लाह बड़े हायर एजुकेशन में और बड़े अच्छे अच्छे उहदों पर हैं। तो इसी तरह हमने, ये मेरा भी एक छोटा सा सेटअप है, ज़रूरत थी इसकी, आखिर कुछ करना होता है। हम मजदूर लोग थे जब आए थे, तो और बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है और मैं भी मालिक का बहुत बहुत मशकूर हूँ और आप जैसे तमाम बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेफाक दे, आपस में अंडरस्टैंडिंग दे और हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, अपने दीन को हमेशा सामने रख कर जो हमारे प्यारे नबी का फरमान है और जो दीन का रियल कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, उसे हम अपने हाथ में लिए अपने सारे निज़ाम को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरियां पैदा करेगा। अच्छा, अब मुनीर साहब के ये एक और जो इनका ऑफिस का हिस्सा है उसमें हम आ गए। पहले मैं इनकी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद उनसे बात होगी, सवाल होंगे। ये इनकी मुख्तलिफ यहाँ पे पिक्चर्स हैं जो इनकी ली गई हैं और इनके दोस्तों के साथ है, और यहाँ पे ये इनका सर्टिफिकेट जो इन्हें मिला है, और ये इसके मुख्तलिफ उनके ब्रांचेस की, और ये भी इनको इनका वो एक रैंक काउंसलर का जो है ये उनके स्कूल शुरू किया था 71 में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई है 5वीं क्लास से लेकर तो 10वीं तक। सही। उसके बाद मैं कॉलेज गया और लकीली मैं फिर एक टाइम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी, तो ऑटोमोबाइल से क्योंकि ये अपनी अपनी डील होती है, तो फिर इससे भी मैं मुस्लिम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने इस शो में इसमें आता रहता है। और स्कूल ज़ाहिर है, जैसे पहले मैंने बताया कि ये शुरू में आए थे 10 साल की उम्र में, फिर स्कूल ये गए और यहाँ के स्कूल्स में उन्होंने तालीम हासिल की, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड में काम किया, और ये टेक्नीशियन का भी इन्होंने बाकायदा यहाँ पे ज़ाहिर उसमें महारत हासिल की, तो उसके बाद ही वर्कशॉप यहाँ पे आम आदमी कोई नहीं खोल सकता। उसके लिए ये है कि आपको डिप्लोमा लेना पड़ता है, या ये नहीं है कि आप किसी और मुल्क की तरह यहाँ पे जा कर कहें कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। बाकायदा यहाँ गवर्नमेंट अलाउड करती है, वो उसका डिप्लोमा होता है और उसके बाद ये कर सकते हैं, और इन्होंने ज़ाहिर इसमें महारत हासिल की है, और उसके अलावा भी इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। तो थोड़ा सा खुद बताएंगे मियां मुनीर साहब, आप थोड़ा सा खुद बताएंगे। जी, असल में जो पहले बात की थी उसके बाद मैं यानी कि यही कहूँगा कि देखें, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए और फिर रिज़्क़ हलाल जो है इबादत का हिस्सा, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे उन बुज़ुर्गों में मैं फिर कहूँगा जिन्होंने आकर यहाँ, वो उस वक़्त जो हालात जो अच्छे नहीं थे, वो जगह जगह जॉब्स ढूंढते रहे, यहाँ का कल्चर ज़बान नहीं आती थी, तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया कि आज हम खुद जो है लोगों को जॉब दे रहे हैं। सर मेरे पास काम करते हैं, गोरे भी काम करते हैं, टर्किश भी काम करते हैं, पोलिश भी काम करते हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं कुछ लड़के हमारे, तो यानी कि वक्त की चेंज ये आई है कि जो हमारे बुज़ुर्ग कल तक खुद थोड़ा सा यानी कि यहाँ से पैसा कमाने के लिए आए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें जो हम हैं, हम इस्टेब्लिश हुए हैं, आज आगे हम गोरों को और बाकियों को जॉब दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया है कि हम अपना सिस्टम भी चला रहे हैं और इसी तरह सारा इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत तरीके से अपना निज़ाम जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है, और मैं फिर ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों का, देखें हम जो कोई मर्जी करे लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा रोल है यूं भाई जी, दुनिया के अंदर जिधर भी आप मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से मेरा लिंक है,
और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों के साथ मिलकर हम इन चीज़ों को जानते हैं समझते हैं कि इस वक्त तकरीबन 75 लाख जो है पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है सही, और अमेरिका से लेकर मिडल ईस्ट और फार ईस्ट तक आपको बताया। और जब ये कहा जाता है और ये हकीकत है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की माशी आधार, तो फिर ये हकीकत है कि लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, लोगों ने इनके जनरेशन टू जनरेशन जो है, एक चीज़ जो है मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा, ये मेरा पैगाम है अपने सुनने वाले बहन भाइयों और आपके पास, कि हमें अपनी माँ जो पाकिस्तान है जी जी उसे नहीं भूलना, बिल्कुल अपने दीन को सामने रखकर पाकिस्तान से मोहब्बत हमने लेकर चलनी है। और जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ का कानून जो है, वहाँ का आपने हर लिहाज में उसे फॉलो करना है और आप अपने आप को इंटीग्रेट करना माशरे के अंदर, एक अच्छा मैसेज देने के लिए, अपनी अच्छी सेटलमेंट के लिए। लेकिन बाकी चीज़ें जो है साथ लेकर इस तरह चलनी है कि आप एक माशरे के अंदर एक अच्छा मैसेज दे सकें, अपना निज़ाम अच्छा चलाते, बाकी प्लस माइनस तो चलते हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कोई थोड़ी करने के बावजूद अल्लाह ताला बरकत डालता है, तो ये तो फिर अपनी अपनी जगह, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई कई दफ़ा मिला उनसे, हार्ड वर्कर हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और एक इनकी बहुत अच्छी आदत है कि डायरेक्ट बात करते हैं और उसी वक्त मुंह पे जवाब दे देते हैं। और एक और चीज़ मैंने नोट की है कि ये पाकिस्तान के, सबसे पहले वो हर बंदे को इंसान की नज़र से देखते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तानी है तो उसमें वो ये नहीं देखते कि ये पठान है, पंजाबी है या सिंधी है या बलोची है, कोई भी है, तो वो कहते हैं कि मेरा पाकिस्तानी है, उस लिहाज से मिलते हैं। और ज़ाहिर है ये इस वक्त इनकी प्यार और मोहब्बत की और शख्सियत की वजह से लोग ज़ाहिर है इनको सब अच्छा ही कहते हैं, वो यहाँ को पनेगन में जितने भी रहने वाले हैं उनमें यह पॉपुलर है, वो इनको जानते हैं सब, मुझे ज़ाहिर है उनकी और बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं। मियाँ साहब से ये पूछूंगा कि मियाँ साहब हार्ड वर्क जो है आपने तो बहुत किया और ज़ाहिर है इस हार्ड वर्क में आपने पाया भी है, खोया तो कुछ नहीं होगा, पाया ही होगा आपने, तो हमारा ज़ाहिर है आपने काफ़ी जनरेशन का टाइम देखा और काफ़ी अरसे से यहाँ कोपेनहेगन में रह रहे हैं, और ज़ाहिर है डेनमार्क के अलावा में आपके दुनिया में और मुल्कों में भी मियाँ साहब को जानने वाले हैं, उनके दोस्त भी हैं, तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है कि इनके हैं काफ़ी जानने वाले, तो तकरीबन काफ़ी मुल्कों में इनके इनको लोग जानते हैं। तो मियाँ साहब हमारे लिए जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या जो अब हम लोग हैं, हमारे लिए ऐसा कोई मैसेज दें, हमें कोई बताएं कि हम क्या करें ऐसे कि ताकि हम भी स्ट्रगल करें, इसी तरह हम जो है ना हमारी पर्सनैलिटी बने, शख्सियत बने। देखें अयूब भाई, आपसे दो तीन इसमें सॉरी दो तीन आपने मेरे बारे में बातें की, मैं कोशिश करूँगा। सबसे अहम जो बात है वो है इंसानियत की कदर, हमारे दीन में हमारे और फिर हमारा क्या है नबी का फरमान है कि इंसानियत सबसे पहले इंसान की कदर जी, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, इंसानियत की कदर, उसके बाद मोमन मोमन का वाली है, और उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि एज ए पाकिस्तानी हमारे पास हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा पाकिस्तानी जो है, चाहे वो बलोची है, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो पंजाबी सिंधी है कश्मीरी है, वो मेरा और एक रिश्ता बढ़ जाता है, ये नेचुरल चीज़ है। अगर किसी के गांव का या किसी के शहर का कोई दोस्त बहन भाई उसे मिले तो फिर और चीज़ें नज़दीक हो जाती है। मेरी सोच यही है और मेरा पैगाम भी, अगर आप मुझे मैं इस काबिल नहीं होकर मैं दे सकता हूँ तो वो यही है कि आप नेक नियति से काम करें, आप अखलाक से जो इबादत का हिस्सा है अखलाक से पेश आएं, आप अपनी कोशिश करें
और आप जो कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अगर किसी सोशल वेलफेयर का काम है, अगर आपका अपना जो काम है तो उसमें अगर आप नेक नीति से काम करें तो वो रब्बुल आलमीन ज़रूर आपको उसमें कामयाबी देगा। घबराना नहीं, अप डाउन आते हैं। इतना सा अगर हम सोच लें कि हम यानी कि जब हम आए थे हमारे पास क्या था, और अगर अब जिन हालात में आज हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा कर्म है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा, हमारी औलादें यहाँ यानी कि इतनी माशाल्लाह वेल एजुकेट हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जो हैं वो पोस्टों पर हैं, और इसी तरह जो है हम सब दो तीन दफ़ा आपने मेरे बारे में बात की। मेरे बुजुर्ग जब यहाँ आए थे तो वो तो जगह जगह एक जॉब ढूंढते रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्टेब्लिश हैं, हम लोगों को काम दे रहे हैं, हमारे माली हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं, हम पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने उस सारे निज़ाम को के लिए। तो ये अल्लाह ताला का दिया है और अल्लाह ताला हर एक को इस तरह कामयाबी देता है। मियाँ मुनीर साहब का, मियाँ मुनीर अहमद साहब का मुझे याद है कि एक दफ़ा काफ़ी अर्से पहले पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, तो अल्बर्सलोन में उस वक्त ऐसे होता था कि VCR की कैसेटें हम लेते थे, लेकिन यह था कि डायरेक्ट हम नहीं देख सकते थे, उसकी रिकॉर्डिंग देखते थे। तो वहाँ पे हम पाकिस्तानियों ने सब ने कॉपरेट करके एक स्क्रीन ली थी, तो वहाँ पे हमने गाई थी, तो हमने कहा कि पाकिस्तान फाइनल में आया तो उसका मैच देखेंगे। तो वहाँ पे फिर मियाँ मुनीर अहमद साहब आए, तो मुझे अच्छी तरह याद है, आज तक मुझे याद है, काफ़ी अर्सा हो गया लेकिन भूलता नहीं है। तो फिर मियाँ मुनीर अहमद साहब आए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का फाइनल है और हमारी दुआ है कि वो जीते, लेकिन अगर वो ना भी जीते तो जाहिर है वो हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और ये अपनी छाती पर रखते हैं पाकिस्तान को, और सच्चे मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, दियारे गैर में है, इन जैसे लोग ही जो हैं अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और जाहिर है इन्हें देख के कई लोगों ने इनसे सबक हासिल किया होगा और वो इनकी रहनुमाई में उन्होंने काफ़ी चीज़ें हासिल की होंगी। तो आपको याद है मियाँ मुनीर साहब? जी जी, मैं बिल्कुल यूं भाई, असल में बात ऐसे है कि मैं खुद बचपन से फुटबॉल का प्लेयर, क्योंकि यूरोप में डेनमार्क में फुटबॉल बहुत पॉपुलर गेम है, मैंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्योंकि क्रिकेट जो है मेरे मुल्क की एक सबसे बड़ी वो स्पोर्ट है और मेरे मुल्क का नाम आता है हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें वर्ल्ड कप भी जीता है, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा ही नहीं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानियों का अपने मुल्क से के साथ जो प्यार है। और फिर गेम हर की अपनी अपनी पसंद की होती है, बिल्कुल आप वो मुझे याद है, ये 96 की बात है, जो ये 2002 की बात है, वो ऐसे ही था कि हम इंडिविजुअली जब पाकिस्तान में 92 में कप जीता था तो किसी किसी घर आप देख सकते थे, तो मैं सुबह सुबह उठकर किसी दोस्त के घर गया था, वो उस वक्त मैचेस जो है थे आपको पता ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे, तो मैं किसी के घर गया था जाकर देखने के लिए मॉर्निंग टाइम, वो सुबह यानी कि फजर के से पहले मैच शुरू होते ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग और है, तो उसके बाद आज तो माशाल्लाह सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं तो उसके बाद भी हमने 2-3 दफ़ा कोशिश की है कि जब पाकिस्तान, ये लास्ट टाइम भी यानी कि मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में आया तो हम किसी बड़े शादी हाल में जिधर कोई एंट्री नहीं होगी तो हम बैठकर, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होती है सर, एक सोच होती है कि हम सोशल हो जाएँ, और हम पाकिस्तानी जो हैं यूं भाई इस मामले में बड़े दिल वाले लोग हैं, हमने जीते या ना जीते वो तो एक गेम का हिस्सा, किसी एक में जीतना होता है, लेकिन आप ये जहन में रखेंगे सुनने वाले भी कि कभी भी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर अगर टीम अच्छा खेल रही है तो अपने उसमें बिल्कुल जज्बात का इजहार किया है, अगर टीम नहीं यानी कि जीती या अगर कोई दूसरी अच्छी टीम किसी फाइनल में आए तो यानी कि हमने उसे भी अप्रिशिएट किया है। ये चंद साल पहले है चैंपियंस जो ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान ने इंडिया से जीती थी, सही, ये 5 साल पहले की बात है, उस वक्त भी हमने, आप नहीं थे, वो भी हमने अरेंज किया था
टास्ट ऑफ कैंसर, काफ़ी लोगों ने हमने मिलकर बैठकर किया था। तो ये एक जिंदगी का हिस्सा है, या सारी चीज़ें हमने साथ लेकर जब टास्ट ऑफ में मियाँ साहब पाकिस्तानी भी काफ़ी जी वहाँ हमने वहाँ अरेंज किया था, तो तकरीबन हम 100-125 लोग थे जिन्होंने इकट्ठे होकर वो मैच फाइनल का देखा था। जी ये मियाँ मुनीर अहमद साहब का यहाँ पे जो कोपेनहेगन में रहने वाले हैं उनको पता ही है, बाहर का मैंने बिल्डिंग का भी बताया है, इस पर आना आटोस इनकी फर्म है, इसमें रिपेयरिंग डेंटिंग गाड़ियों का जो भी कोई मसला होता है, एक किस्म के डॉक्टर हैं गाड़ियों के। तो यहाँ के जो है रहने वाले हैं अगर वो भी इनसे देखेंगे तो वो उनका उस्तैना ऑटोस है और हॉल में है तो वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं, अपने उर्दू में आप बात करें, पाकिस्तानी हैं जो मसला है वो आप बता सकते हैं, और भी दुनिया के किसी हिस्से में जो रहने वाले हैं आप दुनिया सब कुछ कह रहे हैं। हाँ मैं यही कहूँगा कि ये हमारा काम है, आपने ठीक है मैं भी चलें इससे फ़ायदा उठा लेता हूँ। बिल्कुल ये 25 साल से इस्तैना आपको जो है ये कंपनी है और इसके अंदर माशाल्लाह हम 9-11 लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं, 9 बाहर और 2 ऑफिस में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा हमारा अच्छा सिलसिला जा रहा है, और वक्त के लिहाज से जो सारी जो हमें ज़रूरियात होती हैं वो हमने इस्टेब्लिश की हैं, और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों के लिए हमारे पास मिक्स लोग हैं, जैसे हमारा स्टाफ मिक्स है ऐसे ही हमारे कस्टमर भी मिक्स हैं, हम ज़्यादातर जो काम मर्चेंट बेंच का हम स्पेशलिस्ट हैं और टैक्सियों से हमारा ज़्यादा है, लेकिन हम हर तरह की गाड़ी बनाते हैं और पाकिस्तानियों के लिए जो हम खुसूसन तौर पर जो है हम राय और काम किए हैं तो उनका भी मैं लोगों को बताऊँ। मियाँ साहब हैं तो पॉपुलर, लेकिन ज़ाहिर है कुछ पहलू ऐसे होंगे बहुत प्रोग्राम इनके बहुत से हुए, ये मेरा पहला प्रोग्राम इनके बारे में नहीं है, तो ये है कि मैं कुछ पहलू हो सकता है उन प्रोग्राम में आऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कुछ पहलू इनके इस प्रोग्राम में भी बताऊँ, और मियाँ साहब से बहुत खुशी हुई है मिलकर, और अभी मैंने इनको कहा था कि आप टाइम दें मुझे तो इन्होंने टाइम दिया, काम कर रहे हैं इनके एक दो कस्टमर भी बाहर कोई बात नहीं, थोड़ी नाक भी कर रहे हैं दरवाजे को कोई बात नहीं चलता, और वो इनको बुला भी रहे हैं तो इन्होंने काम करना है अपना, और मैंने काफ़ी बातें की हैं। मियाँ साहब आपने कोई और पैगाम देना हो वीडियो में आप सारी दुनिया के लोगों को आप दे सकते हैं, आप खुद बहुत वेल नॉलेज हैं, आप पुराने लोगों में से हैं, आप सारी चीज़ों को जान चुके हैं, और आप मुझे बड़ी खुशी हुई है जिस तरह आप देखें ये वक्त की ज़रूरत है, अब हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं जी, और फिर जब मैं ये कहूँगा कि अपने आप को इस मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी हम कर सकते हैं हमने अपना हिस्सा डालना, तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को ऑलरेडी जो है और अब मेरे ख्याल में समेटने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहता होता हूँ आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मियाँ साहब से जितना भी बोला जाए ना वो इससे थकते नहीं है, और मैं थक जाऊंगा मियाँ साहब नहीं थकेंगे, वो रेडियो में टीवी में प्रोग्राम्स में काफी इन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं, बातें की हुई हैं, कोई मेरा इससे पहली दफा इंटरव्यू नहीं है, चलता रहता है, और अब मैं इस दरमियान में थोड़ा सा लाइट बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सीरियस बातें करेंगे तो सुनने वाले जो है या देखने वाले जो है वो थोड़े से वो बोर भी हो जाएंगे, मजाक में भी करनी चाहिए, अपने अपने पसंद की बात भी होती है वो भी करनी चाहिए। तो मान लीजिए आपकी मियाँ मुनीर अहमद साहब जो है उनका बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और आप जैसे लोग भी जिंदाबाद।